रामगढ़, दौसा और उनियारा सीट कांग्रेस जीतेगी, ये दावा कांग्रेस सांसद हरीश मीणा ने किया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डीसी बैरवा को प्रत्याशी बनाया है जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और वे जरूर जीतेंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है सांसद हरीश मीणा ने। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार चल रहा है और टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरीश मीणा आज दौसा में आए हैं, ये दौसा के सांसद भी रहे हैं। सर, दौसा से कांग्रेस के डीसी प्रधान पर जो डीसी बैरवा हैं उन पर दांव खेला है, कितना मजबूत मानते हो क्योंकि आप इस इलाके से पहले सांसद रहे हो? जो पार्टी, कोई भी पार्टी जो टिकट देती है, सब सोच समझ के, सब समीकरण देख के और हर पार्टी जीतने के लिए टिकट देती है। मैं मानता हूं जो कांग्रेस पार्टी ने डीसी बैरवा साहब को टिकट दिया है, बहुत ही सोच समझ के, योग्य आदमी है, राजनीतिक सोच के आदमी है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के आदमी है और ये सीट कांग्रेस के पक्ष में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आमतौर पर एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट देती है ये कांग्रेस, पहली बार जनरल होने के बाद एससी को मिला है, तो क्या समीकरण बैठेंगे या फिर? एक जाति से कोई चुनाव जीतता नहीं, एक जाति से कोई हारता नहीं। जब एक आम धारणा बनती है, आम एक समीकरण बनता है, तो मैं कोई जातियों की बात नहीं करूंगा, मैं पार्टी की करूंगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करूंगा। और इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर है, जहां कोटा जिले में बढ़ रहा है डेंगू का लगातार खतरा और डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 350 के पार भी पहुंच गया है। गंभीर मरीजों को अब एसडीपी चढ़ानी पड़ रही है। डेंगू के चलते अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। खासतौर पर कोटा में हर रोज यहां पर डेंगू पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर कोटा जिले में डेंगू का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो 350 के पार डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। गंभीर मरीजों को स्थिति ये है कि एसडीपी तक चढ़ानी पड़ रही है। और अगली खबर है बाड़मेर से, जहां पर व्यापारी से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। इंदिरा कॉलोनी में व्यापारी को टक्कर मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार लुटेरे ने 1,85,000 रुपए लूट लिए हैं। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस लगातार जुट गई है और जिसके बेसिस पर वो लुटेरे तक पहुंच पाएगी। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रही है, देखिए तस्वीरें निकल कर आ गई है, व्यापारी से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम देकर और टक्कर मारकर फरार हो गया। इंदिरा कॉलोनी में व्यापारी को टक्कर मारकर लूट की गई है। 1,85,000 रुपए बताए जा रहे हैं जो लुटेरे लूट कर फरार हो गए हैं। पुलिस को जैसे ही इत्तला लगी वैसे ही सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने की लगातार पुलिस के द्वारा कोशिश, जिस कार्रवाई में मदद मिल सकती। वहां से मैं निकला था एक्सल में, घर से पेमेंट लेके थैली में डाल के। कितना? 1,85,000 रुपए। हाँ। वहाँ से यहाँ आया था, यहाँ तक आया मैं, जैसे यहाँ से जा रहा था सामने से बाइक आई। हाँ। तो दो जने थे। हाँ। तो अचानक जैसे एक्सीडेंट कैसे होता वैसे ही हुई थी। हाँ। तो मैं जैसे नीचे हुआ ना तो थैली लेके भागे, मैं उनके पीछे वहाँ तक भागा। हाँ। पापा गाड़ी चालू करे, वहाँ सामने कहाँ आ रही थी, अब यहाँ गए यहाँ गए ये मालूम नहीं है। हाँ। मैं उनके पीछे तक भागा वहाँ तक, पापा गाड़ी बंद हो गई, फिर वहाँ से चालू मेरी मोटरसाइकिल। 8 या 8:30 के बीच की बात है, तो गलत पहले तो भैया आए थे, खाना वाना खाया, फिर बैठे रहे थोड़ी देर, फिर वहाँ से किसी का कॉल आया था कि किसी को पैसे देने हैं, तो भैया अलमारी से निकाल रहे थे पैसे, थैली मांगी तो मैंने उनको थैली दी और येलो कलर की थैली थी, हमारे आंखों के सामने पैसे डाले थे उसके अंदर। वहाँ से लेके जैसे ही निकले तो कुछ 10-15 मिनट के बाद कॉल आया छोटे वाले भाई के पास, तो उन्होंने बोला कि ये बात हो गई है, बाकी उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। हमने फिर भी पूछने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत बोला उन्होंने कि ये बात है, अब हम भी पीछे आए। इंदिरा कॉलोनी में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आ रहा था शहर की तरफ, जिसमें उसके मोटरसाइकिल के रुपए थे, वो कोई अज्ञात मोटरसाइकिल वाले उसका लूट कर ले गए, जिस पर मौके पर मैं और सीओ साहब पहुंचे। वहां आसपास सीसीटीवी कैमरे और परिवादी और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे की चेक की जा रही है। और चलिए इस बीच कोटा से भी बड़ी खबर है, कोचिंग छात्र की संदिग्ध हालत में मौत की खबर निकलकर सामने आई, जहां कमरे में अचेत अवस्था में छात्र का शव मिला। तलवंडी इलाके में मां के साथ पटना का रहने वाला मृतक रहता था। बताया जा रहा है कि अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, अर्थ वर्जन मृतक का नाम है, मौत के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। तो कमरे में अचेत अवस्था में छात्र मिला था, उसके बाद फौरन जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पर उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है।
अचेत अवस्था में शव मिला, छात्र मिला, अपने माँ के साथ रहता था। कोचिंग छात्र में एक कोचिंग का में पढ़ने वाला एक और छात्र मौत के भेंट उतर गया है। और ये भी बता दें कि पटना का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि कोटा में आकर वो कोचिंग कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पर उसने क्यों फिलहाल सुसाइड करने की कोशिश की, मौत के कारण क्या थे, उन सब पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है।